है गाइस, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। ग्रोथ काइनेटिक्स के कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अ कल्चर कैन ग्रो इंडिपेंडेंटली इन द टू कार्बन सोर्सेस। एक कल्चर जो है दो कार्बन सोर्सेस में जा सकता है, दैट इज अ ग्लूकोज सोर्सेस कैन बी ग्लूकोज और हेक्साडेकेन। ठीक है, ग्लूकोज और हेक्साडेकेन में आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इनमें से सही है। ठीक है, तो देयर इज अ केस कि यहाँ पे जो समझना होता है कि हेक्साडेकेन की बात की जा रही है। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ग्लूकोज एंड हेक्साडेकेन। तो स्टेटमेंट पे जाने से पहले एक चीज़ जो बता दूँ मैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। एंड इस तरीके से अगर देखोगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो है 180। ठीक है ना, ये आपका ग्लूकोज का केस होता है। अगर हम बात करते हैं हेक्साडेकेन, हेक्साडेकेन का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो होता है C16H34। ये मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C16H34 जो होता है। यस, ठीक है, ये आपका मोलिकुलर फॉर्मूला चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका जो मॉलिकुलर वेट देखेंगे तो 12 × 16 + 34 करेंगे तो 12×72 = 7 × 12 = 84। ठीक है ना, ये अगर देखोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि 12 × 6 = 72, 2 रहेगा 7 जाएगा, 12 × 1 = 7 = 20, 12 × 7 = 19 = 19। ठीक है ना, ये आ जाएगा किस 19। प्लस 34 सॉल्व करिए ये, तो ये हो जाएगा 6 × 9 = 12 = 2 एंड 1 × 1 = 226। राइट, तो ये आपका केस होता है। अगर आपको एक फॉर्मूला पता हो दैट इज अ थ्योरेटिकल यील्ड, ये आ रहा, थ्योरेटिकल यील्ड में आपको बताया गया था दैट मॉलिकुलर वेट ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ द सबस्ट्रेट। यहाँ पे मोल जो था वो आपका यूज होता था, मोल ऑफ द प्रोडक्ट। राइट, ये चीज़ आपको बताई गई थी। अगर मैं एक चीज़ एज्यूम मान के चलता हूँ कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सेम है, ये एज्यूम कर लीजिए कि वो चीज़ सेम है। अगर सबस्ट्रेट के हिसाब से देखें तो जो, क्योंकि सबस्ट्रेट जो होता है वो डिनोमिनेटर में है, और जब डिनोमिनेटर में है तो उस केस में डिनोमिनेटर जब हाई होगा, जब आपका डिनोमिनेटर जो है अगर सेम नोमिनेटर के लिए डिनोमिनेटर हाई होगा तो रेशियो क्या का होने वाला है। अगर इस कंडीशन में देखें तो देयर इज लाइक रेशियो जो है वो कम होने वाला है। अगर यहाँ पे ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे तो ये थ्योरेटिकल यील्ड के हिसाब से ये चीज़ जो है वो कंसिडरेशन में जा रहे हो कि नहीं, आपको लग रहा हो कि नहीं, इस वजह से तो आपका ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा यील्ड प्रोड्यूस करेगा क्योंकि उसका मॉलिकुलर वेट कम है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल और अदर पैरामीटर के साथ भी चल रहा होता। सो इसमें जरा सा ध्यान दीजिएगा, तो बायोमास ग्रोथ यील्ड इज मोर इन हेक्साडेकेन देन ग्लूकोज, बायोमास ग्रोथ इज लोअर इन हेक्साडेकेन देन ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इज हायर फॉर द ग्लूकोज। एंड ध्यान दीजिएगा कि इसके पास जो होगा, ठीक है ना, एंड CO2 प्रोड्यूस मोर इन ग्लूकोज देन हेक्साडेकेन। इसके पास जो है मैक्सिमम, देखिए इस पर्टिकुलर 6 कार्बन है और 6 कार्बन से 6 CO2 ही निकल सकता है, सीधी सी बात है। इसके पास 16 कार्बन है जनाब, तो 16 कार्बन से 16 CO2 बन सकते हैं। तो आप खुद देखो कि CO2 इसमें ज़्यादा लगेगा, CO2 ज़्यादा प्रोड्यूस होगा किसमें, हेक्साडेकेन में। अगर CO2 ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है मतलब ऑक्सीजन भी ज़्यादा ही चाहिए यहाँ पे। अगर 16 CO2 जा रहा है तो करीब करीब 32 ऑक्सीजन चाहिए तभी तो, ठीक है ना, अगर 16 जितना है 16 O2 चाहिए तभी तो जाके यहाँ पे 16 O2 C से मिलके ये कंडीशन होगा। तो ऑक्सीजन भी मोर रिक्वायर्ड है, मोर CO2 भी प्रोड्यूस हो रहा है, और जब मोर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है मोर CO2 प्रोड्यूस हो रहा है तो यील्ड जो बायोमास का होगा क्या होगा, बायोमास यील्ड जो जनरेट करेंगे ये भी ज़्यादा ही होगा। बायोमास के यील्ड की बात की जा रही है, नॉट द केस, यहाँ पे जो बायोमास का यील्ड होगा वो आपका ज़्यादा होगा।
तो बायोमास का यील्ड जो है मोर होगा इन द पर्टिकुलरली हेक्साडेकेन रेदर देन ग्लूकोज। इस कंडीशन के लिए आप जो है सुलर एंड कार्गे एक बुक है उसका एग्जाम्पल के थ्रू उसमें काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, तो वो जो है आप देख सकते हैं। मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ सुलर एंड कार्गे का 213, ठीक है ना। सुलर एंड कार्गे की एक बुक आती है जो आपको अवेलेबल हो जाएगी, ऐप में ही अवेलेबल है, डाउनलोड करके 213 पे जाके देख सकते हैं। तो आंसर जो इसका हो जाएगा दैट इज़ 1, जो कि हेक्साडेकेन में ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है ना, यील्ड। उसके लिए पूरा अलग से पूरा एक्सप्लेनेशन है स्टोचियोमेट्री का, आप वहाँ पे देख पाएंगे। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस देखिएगा, 8th था क्वेश्चन, ये है 9th, दैट अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉलोइंग द मोनोड काइनेटिक्स, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मोनोड काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, इज ग्रोन इन द कीमोस्टैट, कीमोस्टेट में ग्रो कर रहा है। वैसे तो कीमोस्टेट का प्रॉब्लम है यहाँ पे घुस गया है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा, तो विद द वर्किंग वॉल्यूम 5 लीटर एंड द सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन 1 ग्राम पर लीटर, म्यू मैक्स एंड केएस दिया हुआ है, वॉश आउट वेन द फ्लो रेट। तो इसको, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है आपका आएगा जब मैं कीमोस्टेट के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, वॉश आउट का एक फॉर्मूला होता है उस पर वो चीज़ चलेगा। सबस्टेट को इनिशियल रखोगे तो आपको डी यहाँ पे वो आ जाएगा, और मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, तो चलिए कर ही देते हैं। नहीं कई लोग कहेंगे कि सर जो है स्किप कर दिए, करे नहीं, लगता है सर को आता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो इनमें इसमें दिया क्या है, पहले गिवन की बात कर देते हैं। गिवन जो होता है दैट इज वॉल्यूम दिया हुआ है 5 लीटर, ठीक है, सबस्टेट कॉन्सेंट्रेशन 1 ग्राम पर लीटर दिया हुआ है, राइट। म्यू मैक्स एंड के एस की बात करें तो दैट म्यू मैक्स इज गिवन, कितना दिया हुआ है 0.5 पर आर है, एंड के एस की वैल्यू है दैट इज 0.25 ग्राम पर लीटर, 0.25 ग्राम पर लीटर। दे आर आस्किंग अबाउट द फ्लो रेट, इन्होंने क्या पूछा है, फ्लो रेट पूछा है जनाब, एंड फ्लो रेट में जो होता है दैट इज लीटर पर आर पूछा है। लीटर का मतलब यहाँ पे वॉल्यूम यूज होगा, पर आर में यानी कि डाइल्यूशन रेट यूज होगा, सीधी सी बात है। कौन सा डाइल्यूशन रेट, वॉश आउट वाला डाइल्यूशन रेट। वॉश आउट डाइल्यूशन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो डी वॉश आउट, डी इज इक्वल टू म्यू मैक्स, यहाँ पे जो हो जाएगा म्यू मैक्स के कंडीशन पे नियरली जो होता है वो अपीयर होता है आपका वॉश आउट, लेकिन हम म्यू मैक्स जो है रख सकते हैं। अगर म्यू मैक्स रखोगे तो 0.5 × 5 करोगे तो 2.5 आपको सीधे सीधे अपीयर होगा, लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं आएगा, वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा। तो वो क्या कंडीशन है, डी इज इक्वल टू म्यू, डी इज इक्वल टू म्यू वॉश आउट कंडीशन पे ये फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे मोनोड इक्वेशन लगेगा म्यू मैक्स इंटू एस नॉट के एस प्लस एस नॉट, ये कंडीशन वॉश आउट का होता है, ठीक है। अब इस कंडीशन को जरा सा सॉल्व करिए, तो ये कंडीशन जो होता है म्यू मैक्स की वैल्यू है 0.5, एस नॉट की वैल्यू 1, के एस की वैल्यू है 0.25 + 1, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 0.5 × 1 / 1.25, इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 1/5 एंड दैट इज 0.2, ये आपका आ गया दैट इज द म्यू, म्यू की वैल्यू जो है वो है 0.2, ठीक है ना। तो म्यू की वैल्यू जो है 0.2, यानी कि डी की वैल्यू 0.2 आ गई, राइट। तो ये कंडीशन आपके पास अपीयर हो रहा है, 2 आएगा, 1 + 5 = 9, थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन में देखें तो गड़बड़ी हो रही है। अगर मैं इस पर बात करूं तो 1.25 / 0.5 दैट इज 1/2.5, 1/2.5 दैट इज 0.4, ये आएगा, राइट। 0.4 इज़ द केस, यहाँ पे डी की वैल्यू जो है वो 0.4 आ जाने वाली है। अब डी की वैल्यू जैसे ही 0.4 पर आर आ गई,
और आपको पता है फ्लो रेट अपॉन फ्लो रेट जो होता है वो क्या होता है, दैट इज या डाइल्यूशन रेट होता है फ्लो रेट अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है। तो फ्लो रेट हो जाएगा डाइल्यूशन रेट इंटू वी। डाइल्यूशन रेट क्या है, दैट इज 0.4 पर आर एंड वॉल्यूम है 5 लीटर। तो ये 5 × 0.4 करेंगे तो 2 लीटर पर आर इनवर्स, जो कि यूनिट यहाँ पे पाई जा रही है। तो ये कंडीशन आपके पास अपीयर हो जाएगा, यानी 2 के आसपास आएगा, दैट इज थर्ड वन, एंड बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो आपने कीमोस्टेट का ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। नाउ नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका इजी क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किया था, जहाँ पे इन्होंने इन एन नॉट की वैल्यू 10,000 दी है, इसके बाद इन्होंने एन टी की वैल्यू 30,000 है, 3 आर इज द टी टाइम, द डबलिंग टाइम दे आर आस्किंग। तो के कैलकुलेट करके फिर आपको डबलिंग टाइम कैलकुलेट करना है, राइट? तो ध्यान दीजिएगा आंसर पे जाने से पहले, वॉट दे हैव गिवन, दे हैव गिवन एन नॉट वैल्यू दैट इज 10,000, दे हैव गिवन एन टी वैल्यू दैट इज 30,000, एंड दे हैव द टी वैल्यू दैट इज 3 आर। हमें कैलकुलेट करना है के, उसके बाद कैलकुलेट करना है टी हाफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द के, दैट इज 1/t ln nt upon n नॉट, पुट द वैल्यू हियर, दैट इज 1/t 1/3 ln 30,000 डिवाइडेड बाई 10,000, बाकी कैंसिल करोगे तो दिस इज ln 3, 1/3 ln 3। सो लेट्स टॉक अबाउट ln 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.098 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.366। दिस इज़ अ 0.366, ये k की वैल्यू आ गई। तो t हाफ विल बी 0.693 डिवाइडेड बाय 0.366, एंड अगर इसको हम लेके चलते हैं तो 0.693 डिवाइडेड बाय 0.693 डिवाइडेड बाय 0.366, ये वैल्यू आ जाएगी 1.893। ये t की वैल्यू यहाँ पे r है तो ये पर r होगा, यानी यहाँ पे ये r में आ जाएगा, जिसमें t की वैल्यू है उसी में ये यूनिट भी सेम आने वाली है। तो इस तरीके से आप देखोगे, अब इन्होंने पूछा किस में है, इन्होंने पूछा है r में ही, और 1.89 अप्रॉक्सीमेटली 1.9 के आसपास है। ठीक है, 1.89 को हम अप्रॉक्सीमेटली 1.9 आर भी बोल सकते हैं, यानी आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मिल जाने वाली है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, तो ये है 11th क्वेश्चन, एंड ऑर्गेनिजम्स ओबेज द एंड्रयूज मॉडल ऑफ ग्रोथ इनहिबिशन वेयर द KS एंड KI वैल्यूज इज गिवन हियर। KS वैल्यू इज 0.01 ग्राम पर लीटर एंड की आई वैल्यूज इज 1 ग्राम पर लीटर रिस्पेक्टिवली। इफ द सब्सट्रेट प्रेजेंट इन एट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 ग्राम पर लीटर, सब्सट्रेट जो है प्रेजेंट है इस इनिशियल में, तो इस द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट फॉर द कल्चर अपॉन एंटरिंग द लॉग फेज वुड बी, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट क्या होगा अगर वो एंड्रयूज मॉडल ऑफ ग्रोथ इनहिबिशन को चल रहा है। तो एग्जैक्टली ध्यान देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सप्लेनेशन हियर कि एंड्रयूज मॉडल के ऊपर जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, सो ध्यान देने की कोशिश करते हैं। सो द केस इज हियर, फॉर्मूला क्या हो जाता है एंड्रयूज मॉडल का, दैट इज म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स इंटू 1/1 KS/S प्लस S/KI। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंड्रयूज मॉडल, ये जो फॉर्मूला हो जाता है वो एंड्रयूज मॉडल का हो जाता है। अब इसमें जो है गिवन पे जरा बात करते हैं, ठीक है ना, तो गिवन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो KS इज गिवन, दैट इज 0.01 ग्राम पर लीटर, KI इज गिवन, दैट इज 1 ग्राम पर लीटर, उसके अलावा S इज गिवन, दैट इज 1 ग्राम पर लीटर, S इज गिवन 1 ग्राम पर लीटर। सो नाउ पुट द वैल्यूज हियर, म्यू मैक्स विल बी एज इट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KS की वैल्यू जो है
वो हो गई 0.01, एस की वैल्यू 1 थी और ये 1+1, ये तो 1 ही होगा और इसमें जो करेंगे तो 0.1 ही है। सो म्यू मैक्स इंटू 1/1 प्लस 0.01 हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली जो है अगर म्यू के ऊपर बात करें तो दैट इज़ नियरली जो है वो आपका केस क्या अपीयर होने वाला है, ठीक है। ठीक है, 1 ग्राम पर लीटर। तो दिस इज़ लाइक ये जो है म्यू मैक्स इंटू 1/1.01 ये वैल्यू आने वाली है, राइट। तो ये जो है कंडीशन आपके पास अपीयर होगा। एक और इक्वेशन है म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स इंटू एस के एस प्लस एस के आई एस स्क्वायर, ये कंडीशन पाया जाता है। अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन में वही चीज़ पे देखें तो म्यू मैक्स एस की वैल्यू है 1, यहाँ पे के एस की वैल्यू 0.01 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये 1 हम भूल जा रहे हैं, यहाँ पे 1 भी तो होगा, तो यस नाउ इससे सॉल्व हो जा रहा है। मैं वही कह रहा था कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। सो हियर म्यू मैक्स 1 यहाँ पे जो है क्योंकि 1/1 तो बचेगा तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो 2.01 आएगा, एंड अप्रॉक्सीमेटली 1/2 ऑफ द व्यू मैक्स। इस फॉर्मूले से भी वही आ रहा था, यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो ये 1+1 ये जो हो जाएगा 1/2.01 म्यू मैक्स ही आएगा। तो चाहे आप ये वाला फॉर्मूला रखें एंड्रीव का सबस्ट्रेट इनहिबिशन का, चाहे आप ये रखें, तो आंसर जो है आपका डी आने वाला है। इस पर्टिकुलर केस में आंसर जो है डी आएगा। तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज होगा, मैं कह ऐसा कैसे, आंसर कुछ और दे रखा है और यहाँ पे कुछ और आ रहा है। तो कोई भी फॉर्मूला आप रखें बात एक ही है, ठीक है ना। एन डी यू के ऊपर कोई भी फॉर्मूला रखें, ये एक सबस्ट्रेट इनहिबिशन का मॉडल है। दिस इज द मॉडल ऑफ सबस्ट्रेट इनहिबिशन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दिस इज अ केस लाइक यहाँ पे ये कौन सा क्वेश्चन था, 11 था, ये है आपका 12th। सो फॉर अ सेल ग्रोथ प्रोसेस द यूनिट्स फॉर ईल्ड प्रोडक्टिविटी एंड द टाइटर आर, ईल्ड कल जो होता है वो ग्राम पर ग्राम होता है, प्रोडक्टिविटी जो होती है ग्राम पर लीटर पर आर होती है, एंड टाइटर ग्राम पर लीटर होता है। तो ये यूनिट आपके लिए पाई जाती है। अगर आप देखोगे तो ईल्ड जो है, ईल्ड होता है चेंज इन सबस्ट्रेट इंटू द चेंज इन बायोमास, ठीक है ना। चेंज इन बायोमास डिवाइडेड बाई चेंज इन सबस्ट्रेट नेगेटिव, बायोमास भी ग्राम में होता है और ये भी होता है। तो दिस इज ईल्ड शुड बी ग्राम ग्राम इनवर्स। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी जो होता है दैट इज म्यू इंटू एक्स होता है, ये प्रोडक्टिविटी होती है। म्यू का यूनिट होता है आर इनवर्स एंड एक्स का यूनिट होता है ग्राम पर लीटर। तो ये हो जाएगा ग्राम पर लीटर पर आर। एंड टाइटर, टाइटर का मतलब इनोकुलम या सबस्ट्रेट, दैट शुड बी लाइक ग्राम पर लीटर। ये आपको मिलने वाले हैं 3 यूनिट और इसके हिसाब से जो है आपका आ जाएगा दैट इज डी ऑप्शन। आंसर जो है वो आपका डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये जो आपके पास आ रहा है दैट इज योर 13th क्वेश्चन, राइट। ये 12th क्वेश्चन था, ये 13th है। डबलिंग टाइम आपका किसी ऑर्गेनिज्म का ये है तो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट जो होगा वो 1 होगा, सीधे सीधे बराबर है। सॉल्यूशन की तरफ देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आंसर तो 1 सीधा सीधा समझ में आ रहा था, बट हम देख लेते हैं बिकॉज डबलिंग टाइम इज 0.693 डिवाइडेड बाई के। सो के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, ठीक है। एंड दे हैव गिवन टी हाफ वैल्यू 0.693 पर मिनट या पर आर है, पर आर है, जीरो आर है, आर है, तो ये पर आर में आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई 0.693 आर रखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 आर इनवर्स,
ये जो है आपका आ जाएगा k की वैल्यू. सो आंसर 1 शुड बी द राइट. ठीक है. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग. होप कि आपको समझ में आया होगा.